अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का। भारतीय सिनेमा के कलाकारों को उनके योगदान और उनकी सिने साधना को सम्मानित करने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी शुरुआत दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुई। भारतीय सरकार की ओर से ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। देविका रानी से लेकर अमिताभ बच्चन जी तक अनगिनत बार हमने गौरव गाथा का ये झिलमिलाता अवसर देखा है, जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सितारों और कला साधकों का सम्मान हुआ। और इस साल ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के महानायक अभिनय के प्रखर सूर्य अपनी प्रतिभा के जरिए एक आम आदमी की व्यथा, वेदना, उसके हर्ष, उसके संघर्ष को अनेक अनेक बार अपने बेजोड़ अभिनय से उकेरने वाले, दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का चेहरा बनकर छा जाने वाले सिनेमा के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया जा रहा है। स्क्रीन आइकन अमिताभ बच्चन जी ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की और फिर 1970 के दशक में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के माध्यम से युवा पीढ़ी के गुस्से को अभिव्यक्ति दी और उन्हें एंग्री यंग मैन कहा गया, जो आज भी भारतीय सिनेमा में एक ताकत बने हुए हैं। अभिनय के दूसरे दौर में अपने नए निर्देशकों के साथ ब्लैक और पा जैसी प्रयोगधर्मी फिल्में की, आपने टीवी पर भी कामयाबी का नया इतिहास रचा। साल 2000 से आप गेम शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं। अभिनय के साथ साथ पोलियो उन्मूलन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने में आपका बड़ा योगदान रहा। कला और सिनेमा के लिए आपका अतुलनीय योगदान विश्व सिनेमा की अनमोल धरोहर है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने पूरी दुनिया में न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के दूत बनकर भी सारी दुनिया में भारत का परचम लहराने में कामयाब रहे हैं। भारतीय सिनेमा को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने में भी आपकी अहम भूमिका रही है। आपने सिनेमा के सफर में आप पद्म सम्मान के साथ ही 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार समेत फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए और करीब 200 से भी ज्यादा हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों में न सिर्फ अभिनय किया बल्कि अन्य क्षमताओं में भी योगदान किया है। हमें इस बात की खुशी है कि हम सभी को इस गौरवमय पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। अपार हर्ष और करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अमिताभ बच्चन जी का। इस सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जाता है। अमिताभ बच्चन वो प्रतिभावान अभिनेता हैं जिनके अभिनय ने अनेक पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया है और उनको प्रेरित भी किया है। वे दशकों तक भारतीय युवाओं की भावनाओं के प्रतिबिंब रहे और अपनी प्रतिभा से किरदारों को सशक्त बनाया। उन्होंने अपने अभिनय की प्रवीणता से
प्रत्येक चरित्र के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया, जिसने दर्शकों पर समुचित प्रभाव डाला और उनके हृदय को छुआ। श्री अमिताभ बच्चन की बहुमुखी अभिनय प्रतिभा भारतीय फिल्म जगत में निरंतर 5 दशकों से अधिक की अभिनय यात्रा, जो कि विभिन्न अविस्मरणीय पात्रों के जरिए सदैव अमर है, के लिए ये प्रशस्ति प्रदान की जाती है। श्री अमिताभ बच्चन। सम्मान से सम्मानित श्री अमिताभ बच्चन जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो आए और 2 शब्द कहें। भारत के राष्ट्रपति माननीय और परमादरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, सम्मानित सभी विजेता देवी और सज्जनों, मैं भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरस्कार के जितनी भी जूरी के सदस्य, उनको मैं अपनी ओर से अत्यंत अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाऊं। अनेक धन्यवाद। ईश्वर की कृपा रही है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है, फिल्म उद्योग के सभी निर्माता निर्देशक और जितने सह कलाकार, उनका साथ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की जनता का स्नेह और निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 50 वर्ष पहले हुई थी और इतने ही वर्ष मुझे इस फिल्म उद्योग में भाग लगने का, काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस पुरस्कार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, अपना आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। अंत में जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, यदि आपकी आज्ञा हो। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में एक संदेह उठा और दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब अब आपने बहुत काम कर लिया, अब घर बैठ के आराम कीजिए, क्योंकि देवियों सज्जनों अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे अभी पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, तो यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।